ठीक है, यहाँ पर फोटोशॉप को ऑन करने के बाद फिर हम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनाना सीख रहे हैं। प्रोसेस बहुत इजी होती है, आप स्टेप्स को समझना। सबसे पहले हमको करना क्या है, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले डबल क्लिक किया, जिस भी इमेज को आप लेकर आना चाहते हैं पहले उस इमेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिसके लिए भी आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना चाहते हैं। तो हमने जैसे ये वाला फ़ोटो लिया, वो ओपन किया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, वो डुप्लीकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से उस एरिया को ले लें जिसको आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो में लेना है। हमको इतना बड़ा एरिया चाहिए, इतना बड़ा फ़ोटो हमको पासपोर्ट साइज में चाहिए। अभी तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद न्यू फाइल लीजिए। जब हम न्यू फाइल लें तो सबसे पहले ध्यान रखें कि रेजोल्यूशन हमको चेंज नहीं करना है, और रेजोल्यूशन हमको याद भी रखना है कि पर्टिकुलर अगर आप कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन आपने क्या रखा है। जैसे यहाँ पर 96 है तो ये आपको याद रखना कि ये 96 है। फिर यहाँ पर अपन इंचेस में गए तो अभी आपकी विड्थ बहुत बड़ी आ रही है, हाइट भी ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो पहले हम बड़े पे काम कर लेते हैं क्योंकि हमको इसका बैकग्राउंड भी सेट करना है। हमने यहाँ से ओके क्लिक किया और इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एक फाइल आ गई, यहाँ से हमने मेन फाइल को बंद कर दिया। सेव करें, सेव करने के बाद यहाँ पर इस फाइल का एक नाम रख दें, तो हमने यहाँ पर इस फाइल का नाम रख दिया 854, वो इसको सेव करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसकी आउटलाइनिंग हटानी है, तो अपन यहाँ पर आउटलाइनिंग हटा लें। ये जो वाइट कलर दिख रहा है ये शायद इस सोफे का कवर हो सकता है, हम इस जगह से इसको कट करते हैं ना। तो हमने यहाँ से लासो टूल लिया, लासो में हमको पॉलीगोनल लेना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। ये कहीं से भी पासपोर्ट साइज का फोटो की जो मापदंड होते हैं उसको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि पासपोर्ट साइज का फोटो जब भी अपन बनाते हैं तो दोनों कंधे सीधे होने चाहिए, दोनों आंखें सामने होनी चाहिए और दोनों कान दिखने चाहिए, ठीक है। ये उसका मापदंड है। हमने यहाँ से इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया, और पीछे जो बैकग्राउंड है उसको भी अपन यहाँ पे लेयर बना सकते हैं, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हमने लेयर ज़ीरो कर दिया। थोड़ा थोड़ा कट की करें, कभी भी बहुत ज़्यादा काम अच्छा होता है तो हमारा मन होता है कि नहीं यार और आगे और आगे और आगे करते जाएं, और हम कुछ गलत भी कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। यहाँ से बालों की कटिंग आपको थोड़ी अपने हिसाब से करनी है। अभी मैं लालच कर रहा हूँ, है ना, जैसे मन में आया यार लालच तो नहीं कर रहे अपन एक साथ सिलेक्ट करने का, तो बाहर आकर उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर, क्योंकि गलती से भी अगर वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने डिलीट किया लेकिन डिलीट नहीं हुआ, रीज़न है क्योंकि हमने लेयर जीरो को सिलेक्ट कर रखा है। अब लेयर वन को सिलेक्ट करके फिर डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेयर जीरो पर भी डिलीट हो गया, जो वाइट कलर था वो भी डिलीट हो गया, ट्रांसपेरेंट आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको बाद में फिल कर लेंगे, जो बचा हुआ एरिया है हमारा उसको कर। कुछ गलत होता है तो आप एक स्पेस से हटा भी सकते हैं लासो, आप ऐसे करते करते अगर आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ ऐसे चले गए तो आप एक स्पेस से हटा भी सकते हैं ना। अगर ऐसे एक स्पेस कर देंगे तो हट जाएगा। हमने यहाँ बार बार से उसको क्लिक किया और डबल क्लिक कर कर इसके यहाँ से हमने डिलीट कर, ठीक है। तो ये हमारी एक इमेज हो गई जिसको हमको पासपोर्ट साइज के फ़ोटो के रूप में लेना है। अभी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अभी है नहीं, तो हमको इसको बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करें, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर लें, ये हमारी लेयर है, ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई। अब पहले हम इस इमेज पर काम करें, है ना, पहले तो हम पूरी पूरी इमेज पर काम करते हैं, इसको लेयर को छोड़ते हैं। पूरी इमेज पर जाना है तो हमने यहाँ पर वी को क्लिक करेंगे, है ना, यहाँ डबल क्लिक करने के बाद आप वी को क्लिक करेंगे तो आपका मूव सिलेक्ट हो जाएगा। हमने आपको कहा था ये सारे सारे शॉर्टकट लिखना है, याद करना, ये सब याद होने चाहिए। क्रॉप का शॉर्टकट क्या होता है, मूव का क्या होता है, सिलेक्ट का क्या होता है, एम, है ना, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज पर चले, और जो इमेज साइज उस वक्त हमको निर्धारित करनी थी
वो हम यहाँ पर अब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पे उसकी विथ हाइट वगैरह आपको सेट करनी है, तो यह सेंटीमीटर में आ रहा है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें चेंज हो जाएगी, जैसे आप इसको 1.2 करेंगे तो उसकी हाइट भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1.6 करूँगे तो 1.2 चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लॉक किया हुआ, आपको लॉक नहीं करना है ना। ये लॉक रेशो होता है, लॉक रेशो में क्या होता है कि अगर उसकी विथ चेंज कर रहे हैं तो हाइट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, अगर हाइट चेंज कर रहे हैं तो विथ भी चेंज हो जाएगी, तो रेशो को हमको लॉक नहीं करना। तो हम इसको यहाँ से हटा दें तो ये अनलॉक हो गया। अब आप चाहेंगे जिसको जैसा सेट कर सकते हैं, तो 1.2 और 1.6 रेजोल्यूशन हमेशा वही रखना। अगर आप पिक्चर क्वालिटी और अच्छी चाहते हैं तो रेजोल्यूशन बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी इमेज ज़्यादा बड़ी है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इमेज बहुत बड़ी है इसकी और अपन ने रेजोल्यूशन 96 रखा हुआ, अगर हम 150 रखेंगे तो भी वो इमेज सेट हो जाएगी। लेकिन अभी पहले एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि रेजोल्यूशन जो है उसी पर काम करेंगे, 96 है तो 96 पर ही काम करें, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ओके क्लिक किया तो ये देखिए हमारा इमेज छोटा। अब आप इसको सेट कर लीजिए। तो सेट करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से इस इमेज को इसके ऊपर पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बनाने के लिए हमको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फ़ोटो, फिर बैकग्राउंड और तीसरा होता है उसकी बॉर्डर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर फ़ोटो ले लिया। अभी जो बैकग्राउंड है इसमें लेयर ज़ीरो आ रही है, ठीक है। इस लेयर ज़ीरो में कुछ हिस्सा हमने डिलीट कर दिया था, हमको पूरे को ही फिल करना है। कौन से कलर से फिल करना है? वाइट कलर से। तो आप बताएंगे कैसे फिल करेंगे? कंट्रोल के साथ बिग स्पेस, क्योंकि बैकग्राउंड कलर को फिल कर रहे हैं वाइट कलर, यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर, इसलिए कंट्रोल के साथ बिग स्पेस। अगर अपन अल्टर के साथ बिग स्पेस करते हैं तो फ्रंट कलर फिल हो जाता। एक बार करके देखते हैं, अल्टर के साथ बिग स्पेस तो फ्रंट फिल हो गया, कंट्रोल के साथ बिग स्पेस तो बैकग्राउंड कलर। जैसे हमारा यहाँ पे कलर फिल हुआ, अब हम चाहते हैं इस इमेज को, इस लेयर को थोड़ा सा छोटा बड़ा करना, तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, हमको लगता है कि इस जगह पे एक बॉर्डर भी बना लें। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे? तो बॉर्डर बनाने के लिए जैसे ये हो गया आपका, ठीक है, ये लेयर जीरो हो गया। अब एक न्यू बॉर्डर बनानी है आपको, तो न्यू बॉर्डर बनाने के लिए आपको वापस से एक नई लेयर लेनी है। कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक न्यू लेयर ले लें। अब आप चाहे तो इस लेयर को वाइट कलर कर दें और इस वाली लेयर को बॉर्डर के लिए ब्लैक कलर कर दें, या फिर इसको वाइट को ऊपर ले लें और नीचे वाली इसको ब्लैक करके नीचे ले लें। दोनों कर सकते हैं, लेकिन सरल तो ये है कि इसको हम क्या कर दें, यहाँ से कंट्रोल के साथ बिग स्पेस करके वाइट कर दें और इसको हम कंट्रोल के अल्टर के साथ बिग स्पेस करके ब्लैक कर दें, ठीक है। अब जो वाइट वाली लेयर है इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो पीछे वाली लेयर दिखने लग जाएगी, तो इसको हम चारों तरफ से छोटा करेंगे तो अल्टर के साथ में शिफ्ट दबाएंगे तो चारों कोने से छोटा हो जाएगा, और किसी दो कोनों से छोटा करना है तो केवल हम अल्टर दबाएंगे तो दो कोनों से छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो ये बॉर्डर बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इमेज भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, इसको आप थोड़ी सी आपकी इमेज ज़्यादा बाहर जा रही है तो थोड़ा इसको आप छोटा कर लीजिए, फिर वापस इसको सेट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से ये हिस्सा आपका एकदम कटा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ से तो इसको पूरा लेना ही पड़ेगा, इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से। इधर थोड़े बाल बाहर निकल रहे हैं तो अपन यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। एक और होता है इसमें नाम डालना, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लें, इतना छोटा करें कि वो बिगड़े नहीं, ठीक है। अदरवाइज फिर आप उसको कॉर्नर से भी छोटा कर सकते हैं, रिक्शू भी छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका नाम डाल दें, क्या नाम है इनका, क्या लगता है इनके चेहरे से इनका नाम क्या होगा? लड़की है, आप बताओ। रिया नाम, रिया सरनेम। तो यहाँ पे हमने रिया नाम रखा और सरनेम क्या रखे? अब देखो उल्टा जा रहा, कर्सर हमारा यहीं पर है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं ना। तभी अपन ने इसको लेफ्ट टू राइट कर दिया। रिया सरनेम बोलो। रिया जी, ये इधर की तरफ जा रहा है, इसको वापस इधर ही रहता है, ये ठीक लग रहा है। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और रिया जिन को, इसके साथ हमको डेट भी डालनी थी तो हमने फिर से टी पर क्लिक किया। या तो वापस से अलग से डेट ले लें, या इसी में अगर लेना हो तो इसमें भी ले लें। अलग से लेने का फ़ायदा ये रहता है
है ना, इसमें नहीं लेना हमको, तो अलग से लेना। अलग से लेने का फायदा ये होता है कि हम दोनों को छोटा बड़ा अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, वीडियो सिलेक्ट किया और कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर डेट डाल दी आज की 11/3, इसको सीधा करना है। तो यहाँ से 11/3/2023 यहाँ से डेट को उठाकर नीचे लिया। हमारा पॉइंटर काम नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ से इस तरह से थोड़ी सी छोटी कर दे डेट को यहाँ से, और बारीकी से अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको समझ लें फटाफट। ठीक है, एरिया जेन नाम है, 11 तारीख है, फोटो भी गलत है और सारी चीज़ें फिनिशिंग में भी नहीं है, फिर भी हम एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ बना पाए। जैसे आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो बना, अब आपको लगता है भविष्य में कोई चेंजेस नहीं करना है, भविष्य में कोई चेंजेस नहीं करना, तो हम क्या करें, इनको मर्ज कर देंगे। ठीक है, अभी हमको इसको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम इसमें चेंजेस करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम इसको पैटर्न बनाना। पैटर्न बनाने के लिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद में एडिट में हम चले, या एडिट में जाने के बाद अपन डिफाइन पैटर्न कर लें। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन पैटर्न पर क्लिक किया, यहाँ पर इसका एक नंबर आ रहा, नाम आ रहा, तो हमने यहाँ पे इसका नाम डाल दिया रिया जी, और ओके। ये पैटर्न आपने आज डिफाइन कर दिया, आप इसको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद कभी भी यूज़ कर सकते हो। 10 महीने पहले आपने कोई पैटर्न डिफाइन करा था, उसको आज यूज़ करना चाहें तो कर सकते हो। क्या याद रखना है, साइज जो 1.2x1.6 थी, और रेजोल्यूशन जो 96 था। रेजोल्यूशन अगर आपका चेंज हो जाएगा तो फिर इमेज उतनी नहीं आ पाएगी जितनी आप चाहते हैं, या तो कम आएगी या ज़्यादा आएगी। ठीक है, अभी हम चाह रहे हैं हमारे हिसाब से इसको सेट करना, तो हमने यहाँ पर इसको सेव किया और बंद कर दिया। अब आप चाहें तो इस फाइल को सेव करके रखें, नहीं रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप किसी भी इमेज को ओपन कर कर वहाँ पर सिलेक्ट कर कर भी डिफाइन पैटर्न करें और उस फाइल को बंद कर दें। फाइल का सेव होना और पैटर्न का सेव होना दोनों अलग अलग चीज़ है। फाइल सेव होगी तो भी ठीक, नहीं होगी तो भी ठीक, पैटर्न तो अपने आप में वहाँ पे सेट होना ही होना। ठीक है, तो जैसे पैटर्न वहाँ पे सेट हो गया आपका, अभी पैटर्न लंबे समय तक काम करेगा, जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में बना हुआ है वो पैटर्न भी आपके पास लाइव रहेगा, कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते। ठीक है, हमने यहाँ पर अगेन, अब क्या करना है, हमको पैटर्न हमने बना लिया, अब हमको एक नई फाइल लेनी है। कितने फ़ोटो बनाने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मान लीजिए 4 ही फोटो बनाना है ना, किसी ने बोला 4 फोटो निकाल दें। ठीक है, तो 4 फोटो के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा दिमाग तो जरूर लगाएंगे ताकि हम यहाँ पर साइज़ निर्धारित कर पाएँ। एक फ़ोटो की विथ थी 1.2, तो 2 फोटो की विथ कितनी होगी, तो 1.2 × 2 कितनी हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। तो जो नया कागज़ आप लोगे उस पर आपको 2.4 की विथ में प्रिंट करना है, और जो हाइट लोगे तो 1.6 थी, तो 1.6 × 2 होगा, तो 3.2 हो जाएगा। यही होगा, ये चीज़ समझ में आई सभी को, 2 फोटो इधर 2 फोटो इधर है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल 2 फोटो, वर्टिकल 2 फोटो, तो 2 और 2 4 फोटो हो जाएंगे। अब 4 ही फोटो बनाने थे, तो हमने यहाँ पे साइज उसके अकॉर्डिंग ले ली, और रेजोल्यूशन कितना रखना है, 96 ही रखना है। इसमें यहाँ से हमने ओके क्लिक किया, और इसके बाद ये जो आपके पास यहाँ पे ओपन होता है पेज, इस पर आपको क्या करना है, उस फोटो को लेकर आना है पासपोर्ट के रूप में, और 4 फोटो बनाना है। हम क्या करें यहाँ पर, सिंपल जो भी आपने पैटर्न डिफाइन किया था उस पैटर्न को आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ आपने F5 किया, हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ F5 करा, और यहाँ से देखिए फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर पैटर्न, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन होती है। हमने पैटर्न सिलेक्ट कर लिया, ये सारे फंक्शन में आपने पैटर्न लिया, और कस्टम पैटर्न में जाकर आपने यहाँ पर क्लिक किया और इसको ओके। जैसे आपने ओके किया, देखिए कितने फोटो आ गए, समझ में आया, आपने पैटर्न बनाया था वो फिल हो गया, और ये यहाँ पर 4 फोटो आ गए। पूछिए, हाँ, शिफ्ट प्लस F5, हम यहाँ पे इसको सेव कर लें और JPG बना लें। ठीक
ठीक है, जेपीजी इमेज में गए और ये क्या नाम था इसका, रिया, तो रिया जैन पीपी कर देते हैं ना, पीपी फोर कर देते ताकि पासपोर्ट साइज कितने हैं, 4 फोटो। आपको ज़्यादा फोटो बनाने की जरूरत लग रही है ना, या मैक्सिमम करना है और इसको ओके करना है। आपको ज़्यादा फोटो बनाना है, कितना ज़्यादा बनाना है, बहुत ज़्यादा बनाना है, 15 बनाना है, 25 बनाना है, 25 बना लेते हैं। तो 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 हॉरिजॉन्टल फोटो लगेंगे, 5 वर्टिकल लगेंगे, तो 5 और 5, 5 मल्टीप्लाई करो, 5 25। ठीक है, 5 5 5 5 करके 25 फोटो आ। अब 5 फोटो अगर अपन को इसे लेकर आने, तो हमने न्यू फाइल कोई बताया था मुझे इसकी साइज क्या होनी चाहिए, 6x8, और रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, 120, कितना होना चाहिए, 96 ही होना चाहिए, रेजोल्यूशन चेंज नहीं करेंगे। ओके क्लिक किया, फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5 करेंगे, और यहाँ से फिर उसी पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। कितने फोटो होंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अगेन सेव कर लें, सेव करने के बाद यहाँ पर उसका नाम दे दें, प्रिया जैन, पासपोर्ट साइज फोटो 25। ठीक है, और यहाँ से इसको सेव, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है।